Good morning, student. Welcome to my class. Today we are going to discuss chapter 2 for 5th science, and the chapter name will be Animal World and part 3. In the last video, we discussed about feeding habit of animals. Today we will start a discussion from the topic movement in animals. Now let's start. So student, our first topic will be movement in animals. So before we get to know how do animals move, let us first find out why do animals move. Okay, and the reason is that to protect themselves from enemies and to build resting and breeding places. It means क्या होता है, अपने food को search करने के लिए, खुद को protect करने के लिए, जो उनके enemies होते हैं दुश्मन से, और feeding के लिए वो क्या करते हैं, place to place वो movement करते रहते हैं. Now next we have to talk about organs of movement. Okay, aquatic animals. First we have aquatic animals. Aquatic animals have special organs which help them to swim. जो उनको swim करने में उनकी help करता है. Fish have fins which are used to move forward. क्या होते हैं जो fin, जो हमारी fish के पास क्या होते हैं, फिन्स होते हैं, जिससे वो क्या करती है, फॉरवर्ड मूव करती है और चेंज द डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ देयर टेल एंड फिन्स. आल्सो जो हमारे टोर्टोज है, टर्टल्स है, हैव क्या है, पैडल लाइक लिम्स व्हिच पुश वाटर देम एंड हेल्प टू स्विम्स. स्विमिंग के लिए उनकी वो हेल्प करते हैं. नाउ इन केस ऑफ फ्रॉग, नाउ इन केस ऑफ फ्रॉग के केस में क्या होता है, व्हाट हैपन इन केस ऑफ फ्रॉग. ओके, यू कैन सी इन द इमेज गिवन बिलो, यू है frog have webbed feet to swim. क्या होते हैं, webbed feet होते हैं, जिसकी हेल्प से वो क्या करता है, मूव करता है. On land they use their long hind limbs to jump. क्या होते हैं, लैंड पे क्या करता है, वो अपने हिंड जो क्या होते हैं, लेग्स होते हैं, उनका यूज करता है जंप करने के लिए, कूदने के लिए, स्विम करने के लिए. And next we have penguin. So penguin are use their four limbs as slippers to push water and swim. So किसको use करती है अपने four limbs को, किसके अंदर, to push water के लिए and swim के लिए on land. You can see here, यहाँ पे आप देख सकते हो, on land they use their feet for walking. अब और land पे क्या करते हैं, use करते हैं किसको, अपने feet को, अपने पैरों को वो use करते हैं किसके लिए, walking के लिए. Okay student, so as they can stay on land as well as in water, so when they are in water and they want to swim, then they use their two forelimbs which are sweepers, and when they are in land, that's why they use their feet for walking. Now we will talk about insects. Insects. Insects have six legs which are used for movement. जो क्या होते हैं, six legs होते हैं, जो हमारे insects होते हैं, tiny tiny क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. एक ग्रास कॉपर्स यूज इट्स लॉन्ग हिंड लेग्स फॉर हॉपिंग. हॉपिंग होता है जंप करने के लिए, कूदने के लिए. मैनी इंसेक्ट्स हैव वन और टू पेयर्स ऑफ विंग्स व्हिच दे यूज टू फ्लाई इन द एयर. क्या होते हैं, टू या टू से ज्यादा पेयर्स होते हैं जिसका वो यूज करते हैं फ्लाई करने के लिए. इंसेक्ट्स लाइक लाइस, बग्स और टर्माइट डू नॉट हैव विंग्स, दे मूव बाय क्रॉलिंग. इट मीन्स क्या होता है, ये ऐसे हमारे पास क्या है, इंसेक्ट्स है जिनके पास क्या होते हैं, विंग्स नहीं होते, ये फ्लाई नहीं कर सकते, बट क्या करते हैं, रेंग के चलते हैं. जैसे अभी फिगर्स के अंदर आप ये जो इंसेक्ट्स है हमारे देख सकते हो, आंट, मॉस्किटोज, कॉकरोच वगैरह. नाउ स्टूडेंट, we talk about different birds. Birds have wings which help them to fly. क्या होते हैं, इनके पास wings होते हैं जिसकी help से fly करते हैं. The wings are attached to the largest breast muscles. और कहाँ attached होते हैं, इनकी जो largest breast muscles होती है वहाँ से ये attached होते हैं. To make fly easier, a bird has light hollow bones होते हैं. क्या होते हैं, fly करने के लिए easier कैसे होते हैं, light bones होते हैं इनके पास हल्की. Birds use their wing लेग फॉर वॉकिंग. क्या होते हैं, जो इनकी हिंड लेग होती है, पीछे वाले की जो टांगे होती है, उनका यूज करते हैं किसके लिए, वॉकिंग करने के लिए, चलने के लिए, हॉपिंग, कूदने के लिए. बर्ड्स लाइक एमयू, ऑस्ट्रिच एंड कीवी हैव विंग्स बट दे कैन नॉट फ्लाई ड्यू टू देयर लार्ज साइज एंड कॉल फ्लाइटलेस बर्ड्स. क्या होते हैं, जो आप ये एनिमल्स देखते हैं, कीवी हो गया, एमयू हो गया, ऑस्ट्रिच हो गया, क्या होते हैं, इनका साइज बहुत ज्यादा बिग होता है, बड़ा साइज होता है. बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज क्या होते हैं, ये फ्लाई नहीं कर पाते,
डेल्फिन को क्या बोला जाता है, फ्लाइटलेस बर्ड्स जो उड़ नहीं सकते बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज. नाउ नेक्स्ट वी मूव टू रेप्टाइल्स. नेक्स्ट टॉपिक विल बी रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडीज एंड दे मूव बाय क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड. क्या होते हैं स्केल्स, होते हैं इनकी बॉडी पे और कैसे चलते हैं ग्राउंड पे, जो हमारे फ्लोर पे रेंग के चलते हैं. रेप्टाइल्स लाइक क्रोकोडाइल्स, chameleons and lizard have limbs and they move with their help. क्या कैसे चलते हैं ये भी, कैसे रेंग के ही चलते हैं. जो reptiles like जैसे हमारा snake है do not have limbs, इसके पास limbs नहीं होती. They have scales और plates होती है on the underside of the body that are attached to the ribs. जो इनकी ribs से क्या होती है attach होती है, जिसकी help से वो move कर पाता है. The strong and flexible muscles of the snake contract and expand and thus helps to remove forward. क्या होती है इनके पास स्पेशल क्या होती है, मसल्स होती है, स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल लचीली मसल्स होती है, जिसकी हेल्प से वो मूव कर पाता है. कहाँ पे मूव फॉरवर्ड, आप यहाँ देख सकते हो, यू कैन सी इन दिस फिगर. नेक्स्ट वी हैव मैमल्स. नेक्स्ट वी हैव मैमल्स. मैमल्स हैव फोर वेल डेवलप्ड लिम्स होते हैं. फोर देखते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैमल्स हमारे डॉग हो गया, जैसे कैट होगी, क्या होते हैं हैव फोर लिम्स होते हैं. जो हमारे काउ कैमल्स डॉग यूज ए फोर लिम्स फॉर वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, भागने के लिए. ह्यूमन बींग्स यूज ओनली टू लिम्स फॉर वॉकिंग, दे आर कॉल्ड हिंड लिम्स. जो ह्यूमन बींग्स होते हैं लाइक दैट ए चाइल्ड, वो क्या होते हैं यूज करते हैं ओनली टू लिम्स किसके लिए, वॉकिंग करने के लिए. दे यूज देयर हैंड और फोर लिम्स फॉर होल्डिंग और कैचिंग थिंग्स. किसी भी चीज को कैच करने के लिए, उसको होल्ड करने के लिए, उसको पकड़ के रखने के लिए वो यूज करते हैं देयर फोर आर्म्स का, अपने हैंड्स का वो यूज करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज माइग्रेशन. माइग्रेशन का क्या होता है, जब हमारे एनिमल्स होते हैं दैट दे फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. जो क्या होते हैं अपनी फूड के सर्च के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को क्या करते हैं, मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज नोन एज माइग्रेशन. माइग्रेशन इज द बेस मोमेंट ऑफ एनिमल्स इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक चेंजेस. क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से क्या करते हैं वो अपने आप को चेंज करते हैं वो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. एवरी ईयर सम एनिमल्स एंड बर्ड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्चिंग फूड और टू अवॉइड हार्श वेदर कंडीशन फॉर ब्रीडिंग पर्पजेज. इट मीन्स क्या होते हैं अपनी फूड के सर्च के लिए जो हार्श कंडीशन होती है, वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ अपने आप को क्या करते हैं अपने आप कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, दैट से अपनी फीडिंग प्रोसेस के लिए वो भी वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं. सो हमारे जैसे साइबेरियन क्रेन है हमारा जो ये एनिमल्स है, ये क्या होता है मूव करता रहता है. कम इंडिया एवरी विंटर टू ब्रीड. क्या होता है इंडिया आता है एवरी विंटर ब्रीड के लिए. ओके और जैसे सम फिश है हमारी, मोस्ट ऑफ फिश है वो भी क्या करती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करती रहती है. इट ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच द रियर टू ले एग्स. अपने जो अंडे को क्या करती है प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको फीडिंग करने के लिए, जन्म देने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करती रहती है और वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करती है. व्हेन द एग इज हिच द यंग जो स्लेमन ट्रेवल्स बैक टू द सी. क्या होता है दोबारा से क्या हो जाते हैं वो अपने अपने सेम प्लेस पे वो चले जाते हैं. सो स्टूडेंट अवर चैप्टर विल बी फिनिश. इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे.